इट्स मी प्रोटेक बैक अनदर वीडियो। तो आज हम आपके लिए की बहुत ही अच्छी अनबॉक्सिंग लाने वाले हैं, जो एक टेस्लर का एक प्रोडक्ट है जो अब आपको मिलने वाला है। जो इसको ऑर्डर किया है मैंने फ्लिपकार्ट से, नहीं आपको ये मिलेगा नहीं, मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। ये कोई गिव अवे नहीं होने वाला है, आपको बहुत ही अच्छी वाली गिव अवे मिलेगी, लेकिन अभी मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बोलने वाला। सबसे पहले इसे काट लेते हैं। तो फिर पैकिंग तो अच्छी है, ऊपर इस पर बबल रैप लगा हुआ है। और यहाँ पे ऊपर टेस्लर लिखा हुआ है, टेस्लर गार्डियंस ऑफ गैजेट्स। ये ब्लैक लिखा हुआ है, 1000 रुपीज तक का लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्राइस होने 600 रुपीज तक आपको पड़ सकता है। तो सबसे पहले इसे हम इसे खोल लेते हैं। ये मेरा पहला ट्राइपॉड था लेकिन ये ख़राब हो गया था, आप इसे भी ले सकते हैं। ये सिर्फ 200 रुपये का आता है, लेकिन ये देखिए ख़राब हो गया। ये सब बाकी सब ठीक है, लेकिन एक उसका लेग ख़राब हो गया। इसे साइड रखते हैं और इसमें आते हैं। चलिए इसे एक बार खोलते हैं। तो सबसे पहले हमें जो मिल रही है ये एक माउथ है, जिसमें हम अपना एक्शन कैमरा लगा सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊँगा एक्शन कैमरा इसमें कैसे लगाएंगे, तो आप पूरा फुल वीडियो आप देखिए। जैसा आप देख रहे हैं रिएक्शन कैमरा है इसका, यहाँ पे से जुड़ेगा। इसे सभी साइड रखते हैं और ये रहा, इससे आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। जैसे एक बार खोल लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं खुले हुए, अच्छी क्वालिटी का है। ये इसका रबर है जहाँ पे उसका ग्रिप मिलेगा, यहाँ पे तो स्प्रिंग है। इसे भी साइड रखते हैं। ये इसका स्क्रू है जिसे हम अपने एक्शन कैमरे को जोड़ेंगे। इसे अभी साइड रखते हैं, अभी किसी काम का नहीं है। इसे यहाँ से जुड़ते हैं, हमें एक एक्स्ट्रा नट भी मिला इसमें। चलिए अब आते हैं एक्चुअल मोनोपॉड में। जैसा मोनोपॉड में इसे पहली बार देख रहा हूँ, तो ये अब तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। जैसे घुमाने का यहाँ पर हम इसे अपने लगाएंगे, इसे दबाने से जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर आएगा। ये मोनोपॉड है, ये यहीं से खुलता है। जैसे आप देख रहे हैं ये इस तरह खुलता है, खुलता है, हम इसे ऐसे रख सकते हैं। और ये इतना इसका पूरा फुल है। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो वॉइस ओवर्स भी दे सकते हैं। इसे बंद रखते हैं और इसे हम ऐसे पकड़ के अपना वीडियोस बना सकते हैं। ये सब देख रहे हैं, इस बटन को दबाने से जाता है ये। तो अब इसी तरह लगा के आप अपने वीडियोस बना सकते हैं। व्लॉगर्स के लिए बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है और इसका नाम है मोनोपॉड। यहाँ पे हमें स्क्रू मिलता है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिससे हम अपना अगर DSLR या कोई माइक को ऊपर ला सकते हैं। इसका स्क्रू है, इसको दबाने से ये ऊपर नीचे होता है, वरना फिर लॉक हो जाता है पूरी तरीके से। देखिए इसे देख रहे हैं, देखिए वापिस नीचे नहीं है। इसको वापिस नीचे लाने के लिए हमें उसे बटन दबाना पड़ेगा। और अब देखिए ऐसे खुल जाता है। इसे आप रखिए, आप अपना वॉइस ओवर दीजिए, जैसे कोई नहीं नहीं होता वो इसमें अपना मोबाइल लगा के वॉइस ओवर दे सकते हैं। चलिए इसे एक बार खोल लेते हैं और देखते हैं ये एक्शन कैमरे का जो नीचे का पार्ट है वो कैसे लगेगा। यहाँ पे हमें एक अच्छा ग्रिप के लिए दिया गया है और ऊपर का पूरा फिनिश एकदम स्मूथ है। इसे भी साइड रखते हैं। और ये स्क्रू है, इसे हमें खोलना पड़ेगा, अभी ठीक से खुल नहीं रहा है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इसे आप किसी प्लास से आपको खोलना पड़ेगा। चलिए इसे एक बार ऐसे रखते हैं और अपने मोबाइल का लगाते हैं। इसे आप रख सकते हैं, इसे वापस आप दबा के ऊपर लाइए और ऐसा टाइट कर दीजिए। तो अब इस तरह लगा के अपना मोबाइल फोन इस पर लगाइए, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करिए और अपना ब्लॉगिंग आप शुरू कर सकते हैं इस तरह।
इस तरह हम अपनी उंगलियों को पूरा अच्छे से ग्रिप बना देगा ये। इसका ऐसा हमें इन्होंने बनाया है तस्लर वाली कंपनी ने। मुझे ये तो नहीं पता कि तस्लर ने खुद ही डिज़ाइन करी है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट दे रहा है वो अच्छी प्रोडक्ट है। चलिए अब आते हैं इसको हम किस तरह इस पर लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह अंदर लगा देंगे। देखिए अब ये लग चुका है, अब हमें इसको निकाल के उसको आराम से जोड़ सकते हैं। ये आप आराम से खुद कर सकते हैं, बस आप इसको ऐसे रखिए। जिस आप देख रहे थे वो स्प्रिंग है, वो इसको भी वापस ऊपर लाने में मदद कर देगा। जो देख रहे हैं वो नीचे जा चुका है। चलिए पूरा पूरा फुल टाइट हो चुका है। देखिए अब आप इसे ऐसे पकड़ के व्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह रख के आप इस एक्शन कैमरे से टाइम लैप्स ले सकते हैं। मैं इस ट्राइपॉड का कोई आपको रेटिंग नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्राइपॉड मेरी नज़र से बहुत अच्छा है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो ऐसा ट्राइपॉड मैं पहले यूज़ करता जिसको मैंने दिखाया, उसका लेग खराब हो गया था, इसलिए मैं उसको रिकमेंड आपको कभी भी नहीं करूँगा। इस ट्राइपॉड को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। ये आपको फ्लिपकार्ट से अमेजोन में सब जगह मिल सकता है आराम से। इन सब के मैं एक बेस्ट बाय लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसलिए आप अभी नीचे कमेंट में लिखेंगे कि आप इसको रेटिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। मैं आपको रेटिंग दूँ इससे मैं गलत रेटिंग भी दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरी नज़र में बहुत ही अच्छा है। लेकिन बाकियों के लिए प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास इससे ज़्यादा अच्छा ट्राइपॉड आपको मिल जाएगा। जिस तरह एक हमारे इंडिया के सबसे अच्छे ब्लॉगर्स में एक है मुंबई का निखिल, वो मुंबई का निखिल जो भी का गोरिल्ला पॉड यूज़ करते हैं, वो ऐसे यूज़ करेंगे तो कुछ काम ही नहीं आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही।